जैसे कि आप लोग सुबह से शाम तक यहां मेहनत कर रहे हैं, वहां कन्वेंशन सेंटर में सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक चल रही है और मुझे भी नहीं मालूम वो कब तक चलेगी, क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही है, गहन चिंतन चल रहा है अलग अलग मुद्दों पर, सब अपने अपने विचार। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पार्टी में एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है, सबकी सुनी जाती है, जो भी बिंदु ऐसी चर्चाओं से निकलते हैं उस पर मंथन होता है, सब सुनते हैं एक दूसरे की और फिर उसका निचोड़ निकालते हैं। तो अभी अलग अलग विषयों पर जब मैं यहां आया उससे पहले, और माफी चाहता हूं विलंब भी हुआ, उससे पहले यही प्रक्रिया वहां चल रही है। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं, क्योंकि देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो आप रोज खबरों में चलाते भी हैं और देखते भी हैं, और कुछ चीजें चलाना चाहते भी हैं और चला नहीं भी पाते, आपको मालूम है क्या हो रहा है। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका राष्ट्र निर्माण में एक योगदान रहा है, कहना बहुत ही मुझे लगता है गलत होगा, राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे बड़े हुए हैं। भारत और कांग्रेस पार्टी, दे आर इंटरट्वाइंड टुगेदर। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे जब सरकारें मीडिया का मुंह बंद करने पर आमादा हो जाती हैं, विपक्ष की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको, और अब तो आपने देखा इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू पढ़कर एफएम का फुल फॉर्म ही बदल गया। एफएम को हम लॉ नॉर्मली कहते थे फॉरेन मिनिस्टर, फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा एफएम को अब उन्होंने खुद दे दिया, हमने नहीं दिया। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की, जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी, इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। 1962 की वो बात करते हैं, हम पंद्रह साल हुए थे, कह सकते थे कि नहीं नहीं चीन से नहीं लड़ना, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग तो नहीं किया, हमने लड़े। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। चीन बराबर घुसता चला आ रहा है, नए नए बहाने रोज होते हैं, लेकिन कितने भी बहाने बना लीजिए, 19 जून 2020 का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते, देश कभी नहीं भूल सकता, ये विश्व नहीं भूल सकता, जब भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी कि ना कोई घुसा ना कोई आया। अब उस वक्तव्य को ढकने के लिए कभी जयशंकर जी कुछ बोल देंगे, कभी कोई नया बहाना बना देंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। उनकी ये टिप्पणी
खेदजनक है, निंदाजनक है कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो इस माहौल से ये देश गुजर रहा है। आप सब जिन परिस्थितियों से जूझते हुए लिखते हो, टीवी पर अपनी खबरें दिखाते हो, वो कोई साधारण बात नहीं है। आप लोग भी बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हम भी उसी संघर्ष का हिस्सा हैं, बहादुरी से कर रहे हैं। कई बार हवाई जहाज के दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं, लेकिन ये संघर्ष का हिस्सा है। हम आवाज उठाते रहेंगे। ये ऐतिहासिक हमारा महाधिवेशन है, ना केवल इन परिस्थितियों की वजह से ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इसलिए भी है कि एक बहुत ही शानदार तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पूरे विश्व ने देखा, और उसी चुनाव के आसपास एक नड्डा जी नाम के व्यक्ति हैं जिनको एक्सटेंशन मिल गई। एक्सटेंशन उस व्यक्ति को मिली जिसको मालूम ही नहीं कि वो अध्यक्ष कैसे बना, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। ये स्थिति है हमारे विरोधी दल की। खैर, इकलौता राजनीतिक दल है इस देश का जिसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव की प्रक्रिया सुबह से शाम तक आप लोग देखते थे, दिखाते थे। गर्व होता है इस पार्टी का हिस्सा बनने। तो इस ऐतिहासिक महाधिवेशन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे मीडिया की नजर है और पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि सबको भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से बचकर नहीं भागने वाले। हमें कोई डरा नहीं सकता। जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उन्हें भी समझ लेना चाहिए, डर के लोग हम नहीं बैठे हैं यहां। हम निडर हैं इसलिए यहां 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम निडर हैं इसलिए 150 साल पुरानी पार्टी है। हम निडर हैं इसलिए अंग्रेजों से हमने लोहा लिया था। इस देश में एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर हमें हराने की चेष्टा करता था, उसको भी हमने नेस्तनाबूद किया। तो हमसे टकराइए, आप टकराते रहिए, आपका हक है, लेकिन हमें डरा सकेंगे ये मत सोचिए, आप कभी नहीं डरा सकेंगे। आपके सवाल। माइक दीजिए उनको। पवन जी, प्रधानमंत्री ने, कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कल जो नारा लगा उसका हवाला दिया और कहा कि जनता लेकिन कहती है कि मोदी का कमल खिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? ये अटपटी सी बातें वही सुनते हैं और फिर अटपटी सी बातें भी वही लोग करते हैं। जवाब दीजिए ना, बेरोजगारी पर क्यों नहीं देते, महंगाई पर चर्चा करिए ना, क्यों नहीं करते? इतना बड़ा कांड हो गया अदानी जी का, उस पर चर्चा क्यों नहीं होने देते? अदानी जी का नाम अगर संसद में कोई ले ले तो उसको एक्सपंज कर देते हैं, क्यों करते हैं? इसका जवाब दीजिए ना। मुद्दा चीन पे जवाब देते नहीं, अदानी जी पे जवाब देते, क्यों देते? क्यों आप बढ़ती तेल आपको इस तरह की अटपटी सी बातें करनी और इसी तरह की अटपटी बातें सुननी है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कोई विपक्ष के नेता नहीं है कि कुछ भी कह देंगे चल जाएगा। आपकी पूरा विश्व सुनता है, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए आपको, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए आपको। जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के सामने, उस पर आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए। हमें मालूम है कि आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन जिन कारणों से आपको नींद नहीं आ रही है वो कारण ठीक नहीं है। वो कारण महंगाई होना चाहिए, वो कारण बेरोजगारी होना चाहिए, वो कारण चीन होना चाहिए, वो कारण अदानी नहीं होना चाहिए। हेलो सर, पवन सर, मेरा सवाल है, आपके जिस बयान को लेकर के आप विवाद में आए,
कल आपकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आप पहली बार मुखातिब हैं मीडिया के सामने, तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, कल के घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगे, और जिस बयान को लेकर विवाद हुआ आपको अफसोस है उस बात का कि ये बात वो बातें आपके मुंह से निकली, क्या आपको मलाल है? वो कौन सा गाना था हमारा एक पड़ोसी वाला, याद है आपको? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, वक्त पे बोलेंगे, बहुत कुछ है बोलने को, अभी न्यायिक प्रक्रिया मेरा बोलना उचित नहीं है। हेलो खेड़ा साहब, मेरा सवाल खेड़ा साहब, सर मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी हूं और मेरा सवाल यह है कि सुनने में आ रहा है कि CWC में इस बार 50% महिलाओं के, अच्छा फैसला है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 साल यूपीए की सरकार रही, महिला आरक्षण बिल आज भी लटका हुआ है, आपके समय भी लटका हुआ था, ये जरूरत क्यों कांग्रेस को महसूस हुई कि वर्किंग कमेटी में 50% महिलाओं को पद दिए जाए? जो आपने कहा वर्किंग कमेटी का निर्णय, वो आपको पहले मिल गया होगा, मुझे नहीं मिला तो मैं उस पर तो नहीं टिप्पणी करूंगा। जो आपने दूसरी बात कही कि 10 साल एक लोकतंत्र में, त्रिवेदी जी, कोई निर्णय कितना ही अच्छा निर्णय क्यों नहीं हो, वो थोपा नहीं जा सकता देश पर, समाज पर या देश की राजनीतिक प्रणाली पर। निर्णय लेने से पहले, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू टू प्रिपेयर द ग्राउंड, आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको लोगों के बीच में जागरूकता लानी पड़ती है, आपको लोगों का कॉन्सेंसस बनाना पड़ता है। आसान नहीं होता इस एक लोकतंत्र में निर्णय लेना और सरकारें चलाना। ताली बजाकर 500 और 1000 के नोट बंद करने जैसे निर्णय हम नहीं ले सकते। अचानक टीवी पर आए, 8 बज गए साहब, 12 बजे ताले बंद, सब बंद, लॉकडाउन, ऐसे निर्णय हम नहीं ले सकते। कांग्रेस पार्टी इस देश की नब्ज समझती है, कांग्रेस पार्टी जानती है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इस देश को विश्वास में लेना चाहिए, हर वर्ग को विश्वास में लेना चाहिए, वर्गों को आपस में लड़ाना नहीं है। निर्णय लेना बड़ा आसान होता है, लड़ाइयां करवाना बहुत आसान होता है, तो जब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन वो जब आप लोगों को विश्वास में लेकर निर्णय लेते हो, हर वर्ग को विश्वास में लेकर निर्णय लेते हो, तो निर्णय अचूक होता है और समाज के लिए हितकारी होता है, देश के लिए हितकारी होता है। हेलो पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि अभी जनेंद्र के सवाल पे आपने कहा कि अभी जब समय आएगा मैं बोलूंगा, लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि हमने ये कार्रवाई इसलिए करी और उसके बाद अनकंडीशनल अपॉलोजी आपके नाम को लेकर उन्होंने कहा कि मांगी है और मान ली है, और उसके बाद में अब आगे से समाज में, सोसाइटी में इस तरीके के बयान नहीं आएंगे, इसलिए हमने ये कार्रवाई करी थी, इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात यह है, पंजाब में जो है इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जिनकी आज सिडनी तक है, ब्रसल तक है, ब्रसल में तो इंडियन जो हाई कमीशन है वहाँ पर बाकायदा जो है कुछ खालिस्तानी लोगों ने उसको टारगेट किया, और सिडनी के अंदर और मेलबर्न के अंदर मंदिरों के ऊपर धमकी भी दी गई है, इन दोनों पे मैं आपका बयान चाहता हूँ। पहले पे मैं कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पहले दिन से 17 तारीख जब मुंबई में मैंने प्रेस वार्ता की, तब से जो मैंने कहा और जो मैंने ट्वीट किया, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये मैंने गलत बोला है, मेरा मतलब ये था, तो इसलिए मैं उस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरा जो आपका सवाल है बहुत चिंता का विषय, आतंकवाद और ऐसे संगठन, जिन संगठनों की आप बात कर रहे हो जो सर उठा रहे हैं पंजाब में, ये अपने आप में देश के लिए और विश्व के लिए एक खतरे की घंटी है, और मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार सक्षम है इस स्थिति को समझने में भी, इस स्थिति से निपटना तो बहुत दूर की बात है, इस स्थिति को समझने में भी सक्षम है या नहीं, मुझे इसमें संशय है। एक व्यक्ति देश के गृह मंत्री को
वो आज भी सरेआम आजादाना घूम रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हो रही। देश का गृहमंत्री देश का होता है, एक तरह से सीधे सीधे को धमकी दी जाए और वो व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, कोई हवाई जहाज नहीं रोकते हैं, कोई हवाई जहाज से उतारे नहीं जाते हैं, कोई किसी प्रदेश की पुलिस नहीं जाती है, तो आतंकवाद को कोई समर्थन कर रहा हो उसके लिए नियम कुछ और हो, नियम हो, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। जो हो रहा है वो कुछ उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का ध्यान इस तरफ होगा और इसका उदाहरण हमें दिखेगा आने वाले कुछ घंटों में, दिनों में भी नहीं, क्योंकि स्थिति वाकई विस्फोटक है। शुक्ला INS 24/7 से मेरा सवाल, तो आप पार्टी के नेता हैं या जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्या उनके लिए कोई प्रस्ताव आने वाला, पहला सवाल। सर दूसरा सवाल ये कि जो लाइन है संघ और सावरकर को लेके, उसको लेके क्या निर्णय हो सकता है, या जिस तरह के बयान आते फिर बैकफुट पे आना पड़ता है पार्टी को। मैं नहीं जानता प्रस्ताव के विषय में, क्योंकि वो तो प्रक्रिया है, ऐसे प्रस्तावों की वो प्रक्रिया चल रही है, आपको आने वाले कुछ दो दिनों में सब कुछ स्पष्ट होगा ही, कल और परसों में। लेकिन सामान्यतः कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे और खिड़कियां खुली रहती हैं, ताजी हवा आती रहती है, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो जाते। हाँ, एक लक्ष्मण रेखा होती है, विचारधारा की लक्ष्मण रेखा अवश्य हम कोशिश करते हैं कि वो न टूटे, क्योंकि पूरी बात, पूरा संघर्ष, दशकों का संघर्ष, मैं तो कहूँगा सैकड़ों सालों का संघर्ष विचारधारा का ही है, तो उस संघर्ष पे या उस लक्ष्मण रेखा पे कोई समझौता न हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास यही रहता है। रही बात, आपने कुछ संगठन का नाम लिया, एक गैर पंजीकृत संगठन का आपने नाम लिया और उनके एक नेता का आपने नाम लिया, तो बैकफुट पे हम कभी नहीं रहते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सेंट्रिज्म जो हमारी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, वो न लेफ्ट है न राइट है, वो उन दोनों का सम्मिश्रण है। वो लेफ्ट के खिलाफ नहीं है, वो राइट के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेफ्ट के खिलाफ और एक्सट्रीम राइट के खिलाफ है। यही इस देश की विचारधारा है, यही सनातनी विचारधारा भी है, परंपरा भी यही है, यही हर धर्म का निचोड़ है, हर धर्म का। आप बुद्धिज्म ले लो, इस्लाम ले लो, जैनिज्म ले लो, सिखिज्म ले लो, पारसी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, आप कोई धर्म उठा के देख लीजिए, मैंने आपको कहा सनातनी परंपरा के भी विषय में, उन सबका निचोड़ वही है जो कांग्रेस की विचारधारा है। सेंट्रिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य मार्ग। तो मध्य मार्ग में कभी कोई बैकफुट पे नहीं जाता है, मध्य मार्ग में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे कदम कहीं ज्यादा लेफ्ट में न चले जाएं, हमारे कदम कहीं ज्यादा राइट में न चले जाएं, कदम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। सुबह जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ये डिसीजन लिया गया, जो बताया गया कि महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा, जो आदि दलित महिला युवाओं की जो जगह है वो सुनिश्चित की जाएगी, क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको एक तरह से कहें कि इसके नीचे एक लकीर खींचनी पड़ रही है या इसको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। आपका सवाल है, एक जिम्मेदार विपक्ष परिस्थिति को समझते हुए भांपते हुए उसका एक जवाब देता है, उसको एक रिस्पांस देता है। आज जो परिस्थिति इस देश के आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की हो रही है वो आपके सामने है, उसको सुधारने के लिए आवश्यक है कि देश का प्रमुख विपक्षी दल इस संवाद को मेनस्ट्रीम करे, इस संवाद को
सामने लाए, इस पे चर्चा करे, इस पे कुछ ठोस निर्णय ले, ताकि देश की राजनीति भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चले। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज एक निर्णय ले लिया तो अगले 100 साल तक वो निर्णय वही चलेगा। प्रक्रिया का हिस्सा होता है निर्णय लेना, एक जीवंत संगठन होता है, वो एक जीवंत समाज की बदलती परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को ढालता है, अपने निर्णय लेता है। कांग्रेस पार्टी वही जीवंत संगठन है। हेलो पवन खेड़ा जी, एक सेकंड, एक एक करके अभी माइक आ जाएगा। हेलो, आपकी आवाज बुलंद है लेकिन माइक फिर भी अच्छा लगेगा। पवन जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज सुबह स्टीयरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, महत्वपूर्ण आपने फैसला लिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुए। क्या इन तीनों नेताओं की सहमति है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव न हो? मैं दोपहर को एक प्रेस वार्ता हमारी हुई, वो मैं भी सुन रहा था अपने कमरे में बैठकर, जयराम जी ने इसका उत्तर दे ही दिया, तो आप मेरे महासचिव और मेरे बीच में क्यों, आप अच्छा नहीं लगता, छोड़ दीजिए। पवन जी, क्या पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोल दिया, फिर चेयरमैन अलग कुछ बोल दे तो अच्छा नहीं लगता। पवन जी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में क्या हम अलायंस के ऊपर कुछ कंक्रीट देखने को मिलेगा कि आप वेस्ट बंगाल में यदि लेफ्ट के साथ जाते हैं तो टीएमसी का क्या करेंगे, या जिन राज्यों में आपके टकराव है वहां क्षेत्रीय दलों से, उसके लिए कोई गाइडलाइन होगी कि कांग्रेस 2024 में कैसे लीड करेगी विपक्षी कोलिशन को? प्रस्ताव क्या होता है उस पर तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, पहले बोल देना, क्योंकि मैं जानता भी नहीं हूं कि आप अंदर चल रहा है, क्योंकि मैं तो यहां बैठा हूं। तो जो भी निर्णय होगा आपके सामने जल्दी ही आएगा, जो भी निर्णय होगा सबकी सहमति से होगा, अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि हैं यहां, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी हैं अलग अलग राज्यों के, वहां की बड़े नेता भी हैं, तो वहां की क्या परिस्थिति है उस परिस्थिति को जहन में रखते हुए आम सहमति बनाकर जो निर्णय निकलेगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए 3 दिन का हमारा सत्र है, सब चर्चा चल रही है, ठोस निर्णय होगा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रदीप सर, मेरा एक सवाल है कि विपक्षी एकता को लेकर ही कब तक पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, क्योंकि कई दल अभी भी कांग्रेस को स्वीकार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के जो दल हैं, क्या उनके साथ कोई बातचीत चल रही है? देखिए, ये बातचीत चलना या इस प्रक्रिया का होना, ये कोई इसकी तारीख, स्टार्टिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती नहीं है, ये चलती रहती है। कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ घटनाएं दिखती नहीं है, लेकिन वो घटनाएं होती रहती हैं, इसमें दुर्घटना नहीं होगी, ये मैं आपको बता सकता हूं। पवन जी, मैं A1 न्यूज से अभिषेक झा हूं। आपने एक बात कही, सबसे पहले उससे जिक्र करूंगा मैं, आपने कहा कि मध्य मार्गी, मैंने मध्य कहा बीच से, उसमें आपने मीडिया का जिक्र छोड़ दिया, शायद आप लोग बाम और दंचिन के बीच में मीडिया को भी मध्य में नदी की धार की तरह। एक सवाल मेरा आपसे है, आपकी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस वक्त इस साल में जिन 2 राज्यों में चुनाव होंगे उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, आज 71 सीटों के साथ देश में सबसे अव्वल स्थिति में आप छत्तीसगढ़ में हैं, क्या छत्तीसगढ़ का मॉडल या राजस्थान का मॉडल या हिमाचल का मॉडल, कौन सा मॉडल आपके यहां इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, जिसके सहारे आपके 23 और 24 की कार्य योजना बनेगी? जैसा गुजरात मॉडल से आप कृपया करके हमारे राज्यों की तुलना न, गुजरात मॉडल की असलियत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और गुजरात का एक एक नागरिक भी जानता है, तो गुजरात मॉडल तो हमारे लिए कोई मॉडल नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ मॉडल है, राजस्थान मॉडल है, हिमाचल में अभी हमारे नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी पिछले 1 महीने में उन्होंने भी ऐसे कई काम कर दिए हैं कि वो अपने आप में मॉडल बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, हम कुछ वक्त मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य में रहे, उसमें भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश भी
वो ठीक है मोदी जी से डर जाते हैं तो नहीं करते, लेकिन वह भी उसका अनुसरण करना चाहते हैं। और तो और कोविड मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री स्वयं राजस्थान मॉडल का जिक्र कर चुके हैं, भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका केंद्र सरकार वर्णन भी कर चुकी है, उसके बारे में चर्चा भी कर चुकी है और पूरा देश उसका अनुसरण करना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है, ये हमारे शोकेस हैं, तो शोकेस तो दिखाएंगे ही, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाजवाब काम किया, हमारे गहलोत साहब की सरकार, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, उन्होंने लाजवाब काम किया है, तो जाहिर सी बात है वो दिखाएंगे ही। प्रदीप, पवन जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि जिस विचारधारा की बात आपने की है और खासतौर से लेफ्ट राइट जो कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट तौर पर आपने रखी है, लेकिन इस मध्यम वर्ग में कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस डगमगा जाती है। एक तरफ लेफ्ट पार्टी के साथ वो गठजोड़ करती है त्रिपुरा में और दूसरी तरफ CPM के साथ और लेफ्ट पार्टी लड़ाई होती है में, तो ये मध्यम वर्ग में सहयोगी कौन होंगे आपके मिशन 2024 को? आप राजनीतिक परिस्थिति को, विचारधारा के सफर को जोड़ते हुए आपने एक सवाल पूछा। अलग अलग राज्यों में राजनीतिक परिस्थिति बदलती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है, निर्णय भी उसी हिसाब से लिए जाते हैं। कांग्रेस विचारधारा के मार्ग पर कभी कभी भी नहीं डगमगाती, न कभी डगमगाएगी, क्योंकि ये ऐसी विचारधारा है जब दोनों का सम्मिश्रण है तो डगमगा ही नहीं सकती। वो दोनों में समन्वय लाती है कि समाज में कोई एक वाद हावी न हो जाए, कोई एक वाद दूसरे को पर हमला नहीं करे, कोई एक वाद दूसरे विचारधाराओं को खत्म न कर दे। हर विचारधारा का स्थान है, एक भी व्यक्ति किसी विचारधारा को मानता है इस देश का, उस व्यक्ति का सम्मान करना और उसके विचारधारा का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। ये होती है मध्य मार्ग वाली विचारधारा। तो इसमें डगमगाने की तो कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई परिस्थिति भी नहीं है और कोई हमारी आदत है नहीं, हम डगमगाते नहीं, हम स्थिर हैं। पवन सर, one question, sir, on one hand you are saying that there is internal democracy within the Congress party, while on the other hand we have seen that the steering committee has given this authority to the Congress president for nominating the Congress CWC members basically. So now the question is still there, that the question is still there on the internal democracy of the Congress party, because there is no election but there is selection within the Congress. What is your response to that? I think it has already been responded. My secretary in charge, Mr. Jairam Ramesh. So I don't know which language did he respond it in. I'm sure he must have spoken in English and Hindi both. So where is it that you want me to respond again? In a democracy, if four of us choose to empower Mr. Vineet Punia to take a decision, it's a democratic process. It's a democratic decision. Where is the confusion? If Mr. Vineet Punia decides to shut all of us up and says only I will decide, that's undemocratic. But if all four of us authorize him to take a decision, that's democratic. So where is the contradiction? Pawanji, main Vaibhav News 24 se. क्या इस अधिवेशन से ये तय हो जाएगा कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल होने वाला है, राहुल गांधी ही चेहरा होंगे और इस पर भी कोई रणनीति बन रही है, इस पर चर्चा हो रही है, पवन खेड़ा जी भी यही चाहते हैं? देखिए, व्यक्तिवादी राजनीति एक समय तक, एक सीमा तक ठीक लगती है। व्यक्तिवादी राजनीति देश का, समाज का, संगठनों का, देश की संवैधानिक संस्थाओं का नुकसान ही करती है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिवादी राजनीति को जितना सीमित किया जा सके उतना सीमित करती है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। आने वाला चुनाव
एक व्यक्ति और उसके सामने पूरा देश, ये उन दोनों के बीच का चुनाव है। हमारा सौभाग्य है कि हम पूरे देश की तरफ से खड़े होंगे और उस एक व्यक्ति को जवाब देंगे। सर, मेरा नाम याज्ञवल्क है। मैं आपने कहा नेहरू जी का जिक्र करते हुए कि चाइना के मुद्दे पे उन्होंने सरेंडर नहीं किया। बीजेपी अक्सर इस मसले को लेकर आक्रामक होती है और तत्कालीन कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी जी के संदर्भ का उदाहरण देती है। आपने कहा सरेंडर नहीं किया, लड़े और हारे, और बीजेपी इसी पर सवाल करती है कि फिर वो क्या प्रसंग था कि महावीर त्यागी अपना टकला, क्योंकि शायद नेहरू जी ने यह कहा था वहां तो घास भी नहीं उगती। चर्चा होने दी ना, संसद में चर्चा हुई थी ना। महावीर त्यागी किस पार्टी के सांसद थे और वो चर्चा कब हुई थी? जंग चल रही थी और चर्चा हो रही थी। ये उदाहरण तो ये बाद में देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, हम पहले देते हैं। सुन लिया, आगे भी बोल रहा हूं। जंग हुई थी या नहीं हुई थी पहले, इस पे मैं भारतीय जनता पार्टी से एक जवाब चाहता हूं। जंग हुई थी ना, सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया था कि नहीं 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 चीन घुसा ही नहीं साहब, कोई आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं किया था ना। चीन की कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा तो नहीं लिया गया था ना, और उस जानकारी को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा। चीन की ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में, अब तो राज्य भी नहीं रहे, यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, ठेके दिए गए पावर मीटर्स के, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, चीन की कंपनी को, चीन की सरकार से जुड़ी हुई वो कंपनी है, और आपने बॉर्डर स्टेट में करोड़ों का ऐसी कंपनी को दे दिया, ऐसा तो नहीं किया था ना नेहरू जी। हम तो चाहते हैं, खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, 62 करते रहते हैं हम, 62 की भी बात करेंगे, 65 की भी बात करेंगे, 67 की भी बात करेंगे, लेकिन हां 2020 पर सवाल भी पूछेंगे। नेहरू जी ने जवाब दिए थे, सैकड़ों घंटे की चर्चा थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस चर्चा में, बाहर संसद मार्ग पर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, अंदर चर्चा हुई, नेहरू जी भागे नहीं थे चर्चा से, नहीं बने थे चर्चा से, नेहरू जी भगोड़े बने न, वॉर से हमारी देश की सेना भगोड़ी बनी न, आज भी हमारी देश की सेना लड़ना जानती है, बहादुरी से लड़ सकती है, आज तो साजो सामान भी है, लेकिन सरकार में कायर लोग बैठे हैं, वीर सेना कायर सरकार। पवन जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत सफल रही, अच्छा रहा, पर जैसा अभी देखते आ रहे हैं, जैसे कई मुद्दे रहे, पेगासस का मुद्दा रहा और मुद्दा रहा, उस पर कहीं ना कहीं आपने मुद्दे उठाए और बहुत जल्दी ठंडे भी हो गए। इसी तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो पीछे पूरी तरफ लिखा हुआ है, पर ग्राउंड पे कहीं ये अभी नजर नहीं आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इतनी जिस प्रखरता से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस प्रखरता से ये नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या इस पे भी विचार किया जाएगा इस समय? ये देखिए, कोई भी चीज नजर कब आती है? दो परिस्थितियां होती हैं नजर आने के लिए, एक कि वो हो रहा है ग्राउंड पे, दूसरा कि कैमरा आपके चालू हो। मैं तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अनेकों उदाहरण आपको रोज के भेज सकता हूं आपका मोबाइल नंबर लेकर, कि देखिए ये चल रहा है। शर्त यह रहेगी कि शाम को फिर आप भी मुझे भेजेंगे कुछ वापस, रिटर्न मैसेज, रिटर्न गिफ्ट, कि देखिए हमने चलाया, तो हो रहा है, आप दिखाइए, हम जरूर करते रहेंगे, आप दिखाते रहिए। सर, मैं गोविंद शर्मा, नेटवर्क 10 से हूँ। छत्तीसगढ़ में ही 85वां महाधिवेशन क्यों रखा गया, और आने वाले विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही आपके मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे क्या? मैं सोच रहा था अभी तक क्यों नहीं पूछा किसी ने। छत्तीसगढ़ आपको अच्छा नहीं लगा कि यहां हमने रखा अपना 85वां अधिवेशन? हमें तो बड़ा अच्छा लगा यहां आना। तो छत्तीसगढ़ एक खूबसूरत राज्य है, हमारे यहां के मुख्यमंत्री और यहां की सरकार में जो मंत्री हैं सब, पीसीसी प्रेसिडेंट, सबकी ये गुजारिश थी, मांग थी, और हक से मांगना था, मांग थी उनकी कि आप हमारे यहां रखिए। यही मांग गहलोत साहब ने भी की थी, और कई जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स, महासचिव, प्रभारी महासचिव सबने कहा था कि नहीं आपको हमारे यहां रखना चाहिए। होता है,
निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए लिया गया, सबने मिलकर कहा कि नहीं छत्तीसगढ़ में रखा जाएगा, और अच्छा था, बहुत खूबसूरत रायपुर, तो वैसे नया रायपुर है भी बड़ा खूबसूरत। फिर आएंगे, फिर कई सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, कोई ख़त्म थोड़े हो जाएंगे। खेरा साहब, मेरा एक सिंगल सवाल है, छोटा सा सवाल है। कहाँ है कि आपने ढेरों सारे मुद्दे गिनाए आपने, मैं अवधेश हूँ एफपीजे से। जी अवधेश जी। और चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर इनकर्जेंस ऑन बॉर्डर हो, फिर चाहे इन्फ्लेशन हो, बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए, और कंटिन्यूसली जब से मोदी सरकार आई है कंटिन्यूसली आप मुद्दे गिना रहे हैं। वो वेव क्यों नहीं बना पा रही है कांग्रेस जिस प्रकार से बीजेपी ने वेव बनाया, कहाँ जाके अटक जा रहे हैं आप लोग? मैं जब भी कोई मेरा पत्रकार साथी ऐसा सवाल पूछता है तो मुझे ये लगता है कि सवाल पूछते वक्त हम दोनों को इकट्ठे बैठ के सामने आईना रखना चाहिए। हम लोग आपके बगैर अधूरे हैं, हम विपक्ष हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, संसद के भीतर भी, सड़क पर भी, लेकिन उस आवाज को ताकत तभी मिलती है जब अवधेश जी उस आवाज को चलाते हैं। तो आप कमरे की लाइट ऑफ कर दो, फिर कहते हो साहब कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो साहब लाइट ऑन कर दो, सब दिखाई देगा। तो ये कैमराज है ना, ऑन रखो, हमारी बात चलाओ। विपक्ष में आज हम हैं, कल भाजपा होगी और बिल्कुल होगी, तब उनकी चलाना, कोई दिक्कत नहीं। आज इस विपक्ष को आप थोड़ी मजबूती दीजिए, कल उस विपक्ष को दे दीजिएगा। सर दिस साइड, सर सुमी फ्रॉम इंडिया टुडे। सर अगर ऑपोजिशन थर्ड फ्रंट तैयार होता है तो क्या उसका पीएम फेस और कांग्रेस फेस भी हो सकता है? विल कांग्रेस ऑलवेज मेंटेन अ बिग ब्रदरली पोजिशन, क्योंकि कांग्रेस हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो क्या नॉन कांग्रेस पीएम फेस हो सकता है सर? दीज आर क्वेश्चंस दैट फ्रैंकली आई वुड से आर इररिलेवेंट टू द वोटर ऑफ दिस कंट्री। द वोटर्स ऑफ दिस कंट्री आर डेस्परेट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फोकस ऑन इश्यूज, फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू शिफ्ट द नैरेटिव ऑन इश्यूज दैट आर रेलेवेंट। फ्रैंकली दीज इश्यूज आर नॉट ओनली इररिलेवेंट टू द वोटर्स ऑफ द कंट्री, बट दे ऑल्सो डिविएट फ्रॉम द नैरेटिव। द वोटर वॉन्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, लॉ एंड ऑर्डर, वीमेन्स सेफ्टी, चाइना, एग्रेशन ऑफ चाइना, बॉर्डर सेफ्टी, फॉरेन पॉलिसी, अ वीक रूपी, अ डॉडरिंग इकोनॉमी, दीज आर द इश्यूज दैट पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट अस टू टॉक अबाउट एंड टू फोकस ऑन। वी वुड नॉट डिविएट इन दीज इररिलेवेंट इश्यूज। हाउएवर आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, देर विल बी अ टाइम वेन देर विल बी अ रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो पवन जी, कौशल बोल रहा हूँ दैनिक भास्कर से। अभी आपने कहा कि हम चेहरे पर, व्यक्ति पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेके मुखर है और देश भर में वो उसका काम कर रही है। कांग्रेस इसको कैसे निपटेगी, जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है बीजेपी का, कांग्रेस उसका सामना कैसे करेगी? आज से थोड़े कर रही है बीजेपी। बीजेपी का जो पिछला अवतार था जनता पार्टी, उससे भी पिछला अवतार था जनसंघ, उससे भी पिछला अवतार था हिंदू महासभा, वो हमेशा यही करते आई। और हमेशा हम देश के लिए जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उसी पर अपनी राजनीति करते आए। देश के लिए प्रासंगिक मुद्दा था विदेशी को बाहर करना, अंग्रेजों को बाहर करना, तब भी जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं वो किसी और रूप में, हिंदू महासभा के रूप में आई थी, मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला के प्रांतीय सरकारें बनाती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने सरकारें छोड़ दी थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलके तीन तीन प्रांतों में सरकारें बनाई थी और वहाँ पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इनकी जुगलबंदी तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है, अलग अलग तरीके से इनकी जुगलबंदी चलती है, इनके यही मुद्दे रहते हैं। हमारे मुद्दे ये इसलिए नहीं है क्योंकि देश के भी ये मुद्दे नहीं हैं। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि देश, इस देश की गहराई को समझना अपने आप में एक बहुत कठिन चीज होती है।
भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद भी मत रखिएगा कि उस देश की गहराई को समझ पाएगी कभी। सर, दिस इज हरिओम फ्रॉम झारखंड रिपोर्टर। दिस इज माय सेकंड प्लीनरी सेशन एज अ जज। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2014 के बाद से कांग्रेस आम जनों से जुड़े पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में नाकामयाब रही है, तो इस महाधिवेशन ऐसा कुछ मंथन होगा जिससे कि आगामी दिनों में कांग्रेस के मुद्दे जनहित आम जनों से कनेक्ट करें? हम तो हमेशा वही मुद्दे उठाएं जो आम जनों के ही मुद्दे होते हैं। यही सवाल अवधेश जी ने पूछा था अभी, उसी का जवाब मैं दोहरा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। हम विपक्ष कोई भी हो, कांग्रेस हो, कल भाजपा होगी, बिना मीडिया के अनाथ हैं। तो आप की एक जिम्मेदारी है, मुझे पूरा भरोसा है आप उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे हैं। कई बार राष्ट्रीय मीडिया नहीं निभा पाता, उनकी मजबूरियां होती हैं। रिपोर्टर्स तो बेचारे अपना काम कर रहे होते हैं, मालिकों की मजबूरियां होती होंगी। तो विपक्ष को ये लांछन देना, ये उलाहना देना कि साहब आपके मुद्दे चल नहीं रहे, मुझे लगता है यू आर बीइंग अनफेयर टू अस। वी नीड यू, विदाउट यू ऑपोजिशन कैनॉट एम्पलीफाई इट्स वॉइस। वील ट्राई बट वी नीड योर हेल्प। एंड टुमारो द बीजेपी, व्हेन द बीजेपी इज इन ऑपोजिशन, इवन दे विल नीड योर हेल्प एंड यू शुड हेल्प देम लाइक यू हेल्प देम इन बिफोर 2014। व्हाई नॉट? दैट्स योर जॉब। मीडिया एंड ऑपोजिशन हैव अ पर्टिकुलर अनस्पोकन अनरिटन अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स अ वेरी हेल्दी अंडरस्टैंडिंग फॉर डेमोक्रेसी। आई मिस दोज प्राइम टाइम डिबेट्स विच आई यूज टू वॉच बिफोर 2014। ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट लीक्ड, आई मिस दोज डिबेट्स। वेर आर द ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट्स दैट गेट लीक्ड एनी मोर? फॉरगेट द ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट्स, वेर आर द फाइनल सीएजी रिपोर्ट्स दैट गेट रिपोर्टेड? बट दैट वॉज अ वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी ट्रेंड विच अनफॉर्चुनेटली cannot be seen anymore. The report can be right, wrong, that can be debatable. But where are those prime time debates? Show me one debate in the last 8 years in public interest as a campaign any media house ran which went contrary to the government narrative. It's unfortunate, but it's an unfortunate truth. So our struggle is not just to raise people's voice, not just to amplify those issues. Our struggle is unfortunately to do it alone without the help of mainstream media, unfortunately at times, with a very heavy heart I have to say that. Pavanji, Shubham Kumar, India 24/7 se. Abhi ईडी सीबीआई की रेड्स, फिर बयानबाजी, फिर गिरफ्तारी, फिर उसके बाद फिर प्रतिक्रिया, ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? ये राजनीति का कौन सा स्तर है? और अगर रुकना हो तो किसे रुकना होगा? अप्रैल 2024 तक तो चलता रहेगा। रुकना कैसे है वो अप्रैल में आपके हाथ में है, कैसे रोकना है उसको? हमारे हाथ में और आपके हाथ में, वोटर के हाथ में रुक जाएगा? देर नहीं लगती, एक बटन दबाना पड़ता है बस। ईवीएम पे ना एक बटन दबाना पड़ता है, रुक जाएगा। पवन जी, सुमन पांडे हूं दैनिक भास्कर। आपसे उम्मीद थी कि कुछ आप अंदर की खबर लाएंगे। खैर, छत्तीसगढ़ में और पूरा देश आने वाले कुछ महीनों में चुनावों में चला जाएगा, अधिवेशन हो रहा है, तमाम बड़े नेता जुटे हैं, वोटर को साथ कैसे लाएंगे इस पर भी कोई डिस्कशन है क्या, कोई तैयारी है क्या, या कोई लाइन तय हो रही है जिससे वोटर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दे? जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल जो भी करता है वो सबसे, उसके दिमाग में सबसे आगे ये बात होती है, प्राथमिकता इसी को दी जानी चाहिए और दी जाती है। भारत जोड़ो यात्रा भी एक संपर्क अभियान भी था, संपर्क अभियान वोटर से ही था। तो कांग्रेस पार्टी जो भी कह रही है या जो भी कर रही है वो वोटर को दिमाग में रखते हुए ही करती है। वो निर्णय, वही निर्णय लिए जाते हैं जो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित के निर्णय हों और उनसे संपर्क एक निरंतर एक प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, बिल्कुल होगी। आप थके नहीं, सवाल पूछ पूछ के चलिए बोलिए। पवन जी, अविचल दुबे, न्यूज तक, इंडिया टुडे ग्रुप से। काफ़ी चर्चा मध्य मार्ग की कर ली, खैर बहुत फिलोसफिकल हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल एरिना में देखें तो आप एक्सट्रीम राइट शिवसेना के साथ भी जाते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ भी जाते हैं, क्योंकि वो तो आप सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। खैर, जो बड़ी बात है वो आपने मॉडल की बात करी, आपने राजस्थान मॉडल की बात करी। क्या ये वही राजस्थान मॉडल है जो गुजरात में जाकर विफल हो जाता है, जिसमें पेपर लीक होते हैं? आप उसी राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें हर युवा जो है त्रस्त है और हर बार ये कह रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर कोई बात नहीं की जा रही है, उसको आप लाइट करना चाहते हैं? देखिए, गुजरात का भी आपने नाम लिया, राजस्थान का भी नाम लिया, तो चलिए तुलना करते हैं। 5 साल गुजरात में 26 पेपर लीक हुए थे, चलिए आप बताइए राजस्थान में कितने। मैं चुनौती से बात करता हूं, और क्या कार्रवाई हुई गुजरात में और क्या कार्रवाई हुई राजस्थान में? तो इस तरह से कह देना कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में पेपर लीक होते हैं, नहीं, ये एक परंपरा नहीं है गुजरात की तरह, गुजरात में ये एक नियम बन चुका है एक तरह से। और तो और, स्कूल के एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, तो गुजरात से आप तुलना करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हमारे यहां अगर इस तरह की घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। आपने शिवसेना को एक्सट्रीम राइट बोला, सीपीएम को एक्सट्रीम लेफ्ट बोला, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करने को तैयार हूं, भले इस प्रेस वार्ता के बाद या कल, अभी तो 2 दिन आपका साथ रहेगा उम्मीद करता हूं, तो चाय पे चर्चा की जाएगी इस पर भी। और फिलोसॉफिकल नहीं है ये, आइडियोलॉजिकल डिस्कशन है, आइडियोलॉजी रीड होती है राजनीति की और समाज की, तो उसको मैं फिलोसॉफिकल कह के डिसमिस नहीं करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मेरे इस तरफ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी कुछ बातें छोड़कर थोड़ा और मेरे करीब आना चाहता है और इस तरफ का व्यक्ति भी कुछ अपनी विचारधारा का हिस्सा छोड़कर आना चाहता है, तो वो मध्य मार्ग हो जाता है, मध्य मार्ग मजबूत हो जाता है। हम, मैं इस और इस में समन्वय ला रहा हूं, हार्मोनाइज कर रहा हूं, ये होता है मध्य मार्ग। तो इसमें कोई गलत नहीं कर रहा हमने, अगर शिवसेना में भी से अगर हमने समझौता किया या सीपीएम से समझौता किया। सर, मैं अभिषेक था, आपने अभी मीडिया पे सवाल किया बहुत सारे। सवाल नहीं कर, मैं कौन होता हूँ सवाल करने तो वाला। मीडिया के अलावा आपने केंद्र की बहुत सारी कमजोरियां बताई, तो क्या 2014-2019 कांग्रेस की आप मानते हैं कोई भी कमजोरी नहीं रही, उस पर कोई मंथन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल रही, मंथन हुआ, हो रहा है। वो कमजोरियां हम आपको क्या बताएं, आप ही हमें बताते हैं हर बार, और बतानी भी चाहिए, अच्छी बात है, आपका काम है। कमजोरियां हमारे, जाहिर सी बात है, रही होंगी और रही हैं, उनको सुधारने की दिशा में कदम भी उठाए गए, उठाए जा रहे हैं लगातार, ये भी एक सतत प्रक्रिया होती है। तो ये कह देना कि साहब कांग्रेस में कोई कमी ही नहीं रही, ये गलत होगा, कमियां हमारे में भी बहुत रही। खेड़ा जी, खेड़ा जी, सर जी, जी, ये राहुल जी दाढ़ी बढ़ाकर क्या बदलाव लाना चाहते हैं, या केंद्र सरकार को बदलेंगे या पार्टी में बदलाव लाएंगे? आप भी बढ़ाइए, आप पर सूट करेगी दाढ़ी, लग रहा है मुझे, आप बढ़ाकर मुझे फोटो जरूर भेजिएगा, मुझे लगता है कि आपकी दाढ़ी व्हाइट नहीं होगी, ब्लैक होगी और सूट करेगी। पवन जी, निशा द्विवेदी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, मसलों पर अपने जवाब भी दिया, पर आते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप सब्जेक्टिव कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें भी आप शामिल हुए, कई सारे मुद्दे हैं उसमें और 6 मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो हालांकि अब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें कि क्या, किन मसलों पर चर्चा हुई है और क्या बातचीत हुई है। 6 मुद्दे पर चर्चा चल रही है, अलग अलग लोग प्रस्ताव, अपना सुझाव दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, फिर उन प्रस्तावों और सुझावों पर चर्चा हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है बहुत विस्तृत चर्चा होती है। तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं है कि जिस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं, आने वाले कुछ दिनों में, आपको आने वाले 2 दिनों में सब कुछ सबके सामने होगा, लेकिन अभी प्रक्रिया जो चल रही है उस पर तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। जितने भी वहाँ भाग ले रहे हैं सबके पास अमूमन हर विषय पर कुछ ना कुछ कहने को है, और अच्छी बात है ये, इससे लगता है कि सब पूरी रुचि लेकर, पूरा समझकर, पढ़कर, चर्चा करके आपस में लोग बैठे हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ जी,
जी सर, मैं भास्कर दूध से बोल रहा हूँ और मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों हो गई है और आपकी अपनी गिरफ्तारी पर आप क्या कहना चाहते हो? सॉरी, किसकी गिरफ्तारी? जी, पवन खेड़ा जी की गिरफ्तारी। छोटी सी बात है, कल रात गई बात गई, छोड़ी, कुछ और बात करते जी। मगर देश में कुछ माहौल कुछ बदल रहा हुआ है और फिर ऐसी व्यवस्था होने के कारण क्या इस अधिवेशन से कुछ रास्ता तय हो पाएगा? बिल्कुल होगा, और हम और आप मिलकर वो रास्ता तय करेंगे। 2024 तक आप हमारा साथ निभाइएगा, 2024 के बाद नए विपक्ष का साथ निभाइए। धन्यवाद।